नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लास 12 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम अनियन, 3 किलोग्राम वीट एंड 2 किलोग्राम राइस इज ₹60। कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम अनियन, 4 किलोग्राम वीट एंड 6 किलोग्राम राइस इज ₹90। द कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम अनियन, 2 किलोग्राम वीट एंड 3 किलोग्राम राइस इज ₹70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। कैसे करेंगे देखिए, लेट लेट कॉस्ट ऑफ अनियन, कॉस्ट ऑफ अनियन इज इक्वल टू रुपीज एक्स पर केजी। कॉस्ट ऑफ वीट इज इक्वल टू रुपीज वाई पर केजी। कॉस्ट ऑफ राइस इज इक्वल टू रुपीज जेड पर केजी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, 4x ठीक है स्टूडेंट, 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट क्या, 2x प्लस 4y प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट क्या है, 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। ठीक है, दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b, जहां पे a क्या हो जाएगा हमारा 432, 246, 623। x क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और बी क्या हो जाएगा 60, 90 एंड 70। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ए आ गया तो अब हम क्या निकाल लेंगे इसका, ए इनवर्स। क्या निकाल लेंगे, ए इनवर्स कैसे निकाल लेंगे देखिए। सबसे पहले ए वन वन क्या हो जाएगा 4, और इसको चाहिए 4623। 4 3 12, 12 - 12 0। A12 क्या आ जाएगा, 1 और 2 छोड़ दीजिए, माइनस साइन, क्यों, 1 प्लस 2 क्या है ओड है, ओड है तो माइनस क्या था, 1 और 2 छोड़ दीजिए, 2 6 6 3, दैट इज योर 3 2 6, 6 माइनस 6 देखिए 3 2 6 माइनस 6 6 36। ठीक है, 36 माइनस 6 माइनस 30, माइनस 30 का माइनस प्लस 30। ठीक है, उसके बाद A13, 1 छोड़ दीजिए 3, दैट इज 2 4 6 2, 4 4 माइनस 6 4 24 इज इक्वल टू माइनस 20। उसके बाद और ही कुछ लगा हुआ था इस पेपर पे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद A21, 2 + 1 ऑड है तो माइनस आ जाएगा, 2 और 1 को छोड़ दीजिए, 2 और 1 को तो क्या आ जाएगा 3 2 2 3, माइनस साइन, 3 3 9, माइनस 2 × 2 4, 9 - 4 5 - 5। A22, 2 और 2 छोड़ दीजिए, 4 2 6 3, 6 × 4 = 12 - 12 0, 2 3, 2 + 3 ओड है तो माइनस, 2 और 3 4 3 6 2, माइनस साइन, 4 2 8, माइनस 6 3 18, 8 - 18 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम साथ के साथ, A11 कितना है 0, A12 30, A13 माइनस 20, A21 माइनस 5, A22 0, A23।
ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, ए थ्री वन, थ्री वन क्या आ जाएगा, थ्री और वन को छोड़ दीजिए, थ्री और वन को, थ्री टू फोर सिक्स, छः तीय 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10, तो ए थ्री वन कितना आ गया। ये स्टेप्स भी आपको करके दिखाने जो मैं इस पेपर पे कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए नहीं मैं कर रहा। थ्री टू फोर टू टू सिक्स माइनस सिक्स फोर ज़ा 24 माइनस टू टू ज़ा 4 दैट इज माइनस 20। ए थ्री टू इज इक्वल टू माइनस 20। अब ए थ्री थ्री रह गया हमारा, थ्री और थ्री छोड़ दिए, फोर थ्री टू फोर, फोर थ्री टू फोर, फोर फोर जस्ट 16 माइनस सिक्स इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए वन वन को फैक्टर ऑफ वन वन प्लस ए वन टू को फैक्टर ऑफ ए वन टू प्लस ए वन थ्री को फैक्टर ऑफ ए वन थ्री, दैट इज ए वन वन कितना है, आ गया ए वन वन हीरा 4, इसका को फैक्टर 0 प्लस ए वन टू कितना है 3, इसका को फैक्टर 30 प्लस ए वन थ्री कितना है, कहाँ ए वन थ्री हीरा 2, और इसका को फैक्टर माइनस 20। ठीक है, तो 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 30 90, 2 इंटू माइनस 20 माइनस 40, तो 90 माइनस 40 50, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 50। समझ आया स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। ठीक है, ये सोल्व करके क्या आ जाएगा हमारा, देखिए, और इस पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको ना मैं यहाँ पे रफ पेपर पे करके दिखा रहा हूँ आपको, चलो यहीं पे कर लेते हैं। 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10। ठीक है, और ये इसका ट्रांसपोज 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, और ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और वो सोल्व करके क्या आ जाएगा वो हम कर लेते हैं। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इनवर्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 बाई 50 ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 10। ठीक है, तो ये सोल्व करके क्या आ जाएगा, 0 बाई 50 0 माइनस 5 बाई 50 10 बाई 50 30 बाई 50 0 माइनस 20 बाई 50 माइनस 20 बाई 50 10 बाई 50 एंड 10 बाई 50। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखना, मैंने प्रीवियस सभी क्वेश्चंस में बताया कि हमने इनको आपस में कैंसिल आउट नहीं करना। ठीक है, 0 माइनस 5 बाई 50 10 बाई 50 30 बाई 50 0 माइनस 20 बाई 50 माइनस 20 बाई 50 10 बाई 50 एंड 10 बाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे, देखिए x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, तो x क्या हो जाएगा, a इनवर्स क्या है, 0 माइनस 5 बाय 50 10 बाय 50 30 बाय 50 0 माइनस 20 बाय 50 माइनस 20 बाय 50 10 बाय 50 10 बाय 50। इसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, b क्या है हमारा, 60 90 70। ठीक है, तो यहाँ से x हमारा क्या, ये किसके इक्वल आ जाएगा, हम रफ में सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, यहीं से कर लेते हैं, 0 इंटू 60 0 प्लस माइनस
फाइव बाई 50 इंटू 90 प्लस 10 बाई 50 इंटू 70, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 450 बाई 50 इज इक्वल टू माइनस 9, किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 9 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी, ये पहले हम लिख लेते हैं, ये आ गया, दैट इज योर 700 माइनस 450 माइनस 700 आ गया हमारा 5, ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड एंट्री है 30 इंटू 60 बाई 50 प्लस 0 माइनस 20 इंटू 70 बाई 50, जो कि किसके कुल आ जाएगा, 1800 माइनस 1400 बटे 50, दैट इज 400 बटे 50 इज इक्वल टू 8, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस 20 इंटू 60 बाई 50 प्लस 10 इंटू 90 बाई 50 प्लस 10 इंटू 70 बाई 50, जो कि क्या आ जाएगा, माइनस 1200 प्लस 900 प्लस 700 बटे 50, 900 1600 माइनस 1200 400 बटे 50 इज इक्वल टू 8, तो ये क्या आ जाएगा, 8। अब हम इसको किसी इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, जैसे 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60, 8 5 4 5 20 प्लस 8 3 24 प्लस 8 2 16, तो ये 60 आ गया, इट मींस ओके है। देयरफॉर तो यहां से हमें क्या पता चला, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, एक्स वाई जेड किसके इक्वल है, 5 8 8 के, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 8, जेड इज इक्वल टू, हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ ऑनियन, ऑनियन क्या है, रुपीज 5 पर केजी, वीट की क्या है, रुपीज 8 पर केजी, और राइस की क्या है, रुपीज 8 पर केजी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है, लास्ट में ये कंसेप्ट जरूर लिखना है, क्योंकि हमसे स्पेशली कॉस्ट पूछी गई है हर एक आइटम की।